Hello everyone, welcome back to my channel The Honest Girl. So as promised, I'm here back with my first video, my first travel vlog on my naya taza taza channel The Honest Girl. Apart from my introductory video, this is my first video on this channel. और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, दैट इज मॉम्स मंत्रा. अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, और लगे हाथ अगर ऑनेस्ट गर्ल की ऑनेस्टी पसंद आ रही हो तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए. होटल बुकिंग्स, ट्रांसपोर्ट या सफारी कॉस्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें. हम लोगों ने झांसी से रात को 10:30 बजे की ट्रेन कैच की थी कटनी के लिए, और आगे हमारा सफर कैसा रहा चलिए देखते हैं आगे वीडियो में. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ ऐसा था नज़ारा. ट्रेन एकदम खाली हो चुकी थी कटनी पहुँचते पहुँचते. वी रीच कटनी स्टेशन एट अराउंड 6, और दिस इज़ द सनराइज फ्रॉम द ट्रेन दैट वी एंजॉयड. बांधवगढ़ पहुंचने में कुछ 2 से 2.5 घंटे लगने थे. इट वॉज 98 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेशन. सो वी थॉट कि इट्स बेटर कि हम लोग कुछ खा के चलते हैं. स्टेशन के पास कुछ ज़्यादा खाने पीने के ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे आपको अर्ली मॉर्निंग. कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पूड़ी, पोहा, जलेबी, समोसा ये सब मिल जाएगा. अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बेटर है कि आप कुछ खा के ही निकलें स्टेशन से. बांधवगढ़ आने के लिए आप लोग बाय रोड और बाय रेलवेज और बाय एयर तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है. आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो जबलपुर, वहाँ से आपको 4 to 5 hours की बाय रोड जर्नी करनी होगी बांधवगढ़ के लिए. और इसके अलावा खजुराहो भी एयरपोर्ट है जो नियर बाय है. स्टेशंस जो हैं वो कटनी है, उमरैया है. तो हम लोग कटनी तक आए थे, उसके बाद में हम लोगों ने कैब ली थी. तो कैब जो है वो आप स्टेशन के बाहर भी आपको मिल जाएगी. अच्छी कैब्स होती हैं जैसे डिज़ायर या स्विफ्ट इस टाइप से. द अदर ऑप्शन एंड अ बेटर वन इज़ कि आप पहले से ही रिजॉर्ट वालों से बात करके अपना जो कैब है वो बुक कर लें. तो जो दोनों के फेयर होंगे, जो स्टेशन से बाहर अगर आप प्राइवेट कैब बुक करेंगे तो उसका फेयर और रिजॉर्ट वालों का जो कैब का फेयर रहता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 2500 to 3000 इन दैट रेंज ओनली. सो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले से ही रिजॉर्ट वालों से बात कर लें, और वहाँ जाकर आपको फिर कुछ परेशानी नहीं होगी. पूरा रास्ता एकदम अच्छा है, बस ये छोटा सा स्ट्रेच है बांधवगढ़ में जो आपको कच्चा मिलेगा रास्ता. And here we are reached at our beautiful destination, the White Tiger Resort, which is also called the MPT Resort. This is their parking. Quite big it was. Yes. And now this is the reception area. And this is me. Hello, my son and my husband. तो अब हम लोग जा रहे हैं हम लोगों का रूम डिसाइड करने, चूज़ करने के लिए, विच इज़ नॉट ऑलवेज एन ऑप्शन. जो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट थे जो हम लोग को रूम चूज़ करने को मिला, उस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पर. वी गॉट दिस प्लेस फॉर अराउंड 7000 के अ डे, विच इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर फॉर द 3 of us. बट द होटल प्राइसेस की फ्लक्चुएटिंग, तो आपको चेक करते रहना होगा कि अभी उनके करंट प्राइसेस क्या हैं. यहाँ हम लोग दूसरा रूम ऑप्शन देखने जा रहे हैं. लुक एट द ग्रीनरी हियर एवरीवेयर. रिजॉर्ट ही ऑलमोस्ट एक जंगल जैसा लग रहा था यहाँ पर. हमें ऐसा ही रिजॉर्ट चाहिए था. ये गार्डन एरिया है. एंड Finally, we are here at our room. So let's take a quick view inside. What's there?
And here comes the most important part of the room, that is the washroom. At least for me. और ये मैं हूँ. तो वॉशरूम बहुत लग्जूरियस तो नहीं था, पर जितना नीडेड होता है क्लीन टॉवल्स, टॉयलेट्रीज और नीट एंड क्लीन रूम इटसेल्फ, वो सब कुछ था. सो यस, दिस इज द वॉशरूम टूर. And the best part of the room was this view outside our window. ये पूरा जंगल था, मतलब ये कोई प्रोटेक्टेड एरिया नहीं था जहाँ पर एनिमल्स नहीं आ सकते हैं. तो इट वॉज क्वाइट एन एडवेंचर टू स्टे देयर. और अब हम आ गए हैं फ्रेश होके रिजॉर्ट में, थोड़ा सा घूमने फिरने, टू एक्सप्लोर अराउंड. यहाँ मैं कुछ पिक्चर्स या कुछ पार्ट ऑफ द क्लिप्स आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, जहाँ बर्ड वॉचिंग का भी कुछ एरिया है रिजॉर्ट में पीछे, वहाँ भी हम लोग गए थे. और ये अयन मज़े लेते हुए यहाँ के ऑन द स्पाइडर वेब. So we explored around the place and clicked a lot of pictures, which is mandatory of course. और ये आ गए हम लोग रिजॉर्ट के डाइनिंग एरिया में लंच करने के लिए. इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी कि बस हम लोग खाने पे टूट पड़े, बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड था. हमने सोचा फ़ोटो और वीडियोज़ तो होते रहेंगे, पहले हम लोग खाना खाते हैं. तो ये देखिए हमारी खाली हो चुकी प्लेट्स हैं. मैं तो पूरा खाना खा भी चुकी थी तब मैंने वीडियो लिया. पनीर की सब्ज़ी थी, ऑलमोस्ट घर जैसा ही खाना था, बट इट वाज सुपर यम. और डेजर्ट भी था लास्ट में. सो दिस वाज इट फॉर द फर्स्ट डे ऑफ आवर बांधवगढ़ सफारी. नेक्स्ट टू व्लॉग्स ऑफ द सफारी विल बी आउट वेरी सून, स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय. So as I promised, I'm back with my first video, which is on what? और अब मैं आपका एक सेकेंड भी वेस्ट ना, एक सेकेंड तो लग जाएगा. आई एम प्लीज आई नीड टू स्टे सीन. हेलो एवरीवन, आई एन स्टॉप, आई नीड टू रिकॉर्ड. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय. No.